बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अपने किचन में मूंग और मसूर की दाल। मूंग और मसूर की दाल बनाने के लिए हमें किन किन की चीजों की जरूरत है, तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम दाल कैसे बनाते हैं। मूंग की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मसूर की दाल और आधा कप हमने ली है मूंग की दाल। हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसमें हम मूंग की दाल शामिल करेंगे। सबसे पहले ये 1 बॉल हम डाल लें इसमें पानी का, आधा और डालेंगे। अदरक, लहसुन और ये सब्ज मिर्च है, ये हमने कूट ली है, हम शामिल कर देंगे साथ ही पानी के इसमें। ये 2 चाय के चम्मच हमने दिए हैं। ये नमक के डालेंगे इसमें 2 1/4 टीस्पून हल्दी, पिसी हुई सुरख मिर्च है, ये भी हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसमें चाय वाले। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी ये कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें। ये तमाम चीजें इसमें मसालों को मिक्स कर देंगे चम्मच के साथ हिला के। अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 2 सीटी आने तक। 2 सीटी पे हमने ये दाल को उतार ली है। दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम तड़का तैयार करते हैं दाल के लिए। तड़के के लिए हम तकरीबन ये 1/2 कप जो है ना ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसमें। ऑयल को गर्म कर लिया थोड़ा थोड़ा, इसमें हम ये लहसुन को शामिल कर लेंगे। सबसे पहले लहसुन शामिल करेंगे। तो लहसुन को ब्राउन होने तक अब इसका वेट करते हैं। दाल में धनिया शामिल कर रहे हैं। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई सब्ज मिर्च। ये 3 साबुत सूखी हुई मिर्चें शामिल करेंगे इसमें तड़के के लिए। तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। ये दाल हमारी हम डिश आउट कर रहे हैं बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मजेदार बनी है। आप भी ट्राई करें इसको जरूर और बनाएं हमारे तरीके से इस दाल को। अगर आपको हमारी ये दाल की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।